द चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और एक नजर खास खबर की ओर। देश में आपातकाल की स्थिति है और एक अदद सांस के लिए किसी भी कोरोना पीड़ित का परिवार कोई कीमत चुकाने को तैयार है और लाख कोशिशों के बाद भी एक के बाद एक इंसान की सांसों की डोरी टूटने की खबरें सामने आ रही है। जिन्हें सरकार कहा गया वो आपको आपके हाल पर छोड़कर एक और राज्य में सरकार बनाने की पुलजोर कोशिश में लगे हैं, जबकि यूपी में तो अब कोरोना काल में इंसान की सांस पर भी सरकार का पहरा है। यानी सरकार या स्वास्थ्य विभाग तय करेंगे कि किसकी हालत कितनी गंभीर है और उसे ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं। शमशान दहक रहे हैं, कब्र खोदने के लिए इंसान नहीं बल्कि मशीनों को लगाया जा रहा है। ऐसे हालात में माननीय यानी आपके सांसद विधायक या तो कहीं चुनाव लड़ रहे होंगे या फिर आपकी पहुंच से दूर होंगे, मगर ऐसे में आप उस अभिनेता से इन हालातों में क्या उम्मीद करेंगे जिन्हें आप में से बहुत से लोग अपना हीरो, आदर्श या फिर महामानव मानते होंगे। जाहिर है कि आप सोचेंगे कि जब हवा जख्म दे रही है तो उनके मुंह से निकले शब्द मरहम का काम करें, मगर आपको हम जाने माने फिल्म कलाकार अनुपम खेर की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो उन्होंने खुद ट्वीट की और उसके बाद ट्विटर पर उनकी खूब किरकिरी हुई और इस फोटो को लेकर अनुपम ट्विटर पर ट्रोल भी किए जा रहे हैं। फोटो के कैप्शन में अनुपम ने लिखा है टुडेज हेडलाइंस, जिसके बाद ऐसे हालात में अनुपम द्वारा ट्वीट की गई इस तस्वीर को लेकर सैकड़ों यूजर्स ने उनकी खूब आलोचना की है। फोटो के जवाब में प्रदीप गुप्ता नाम के यूजर लिखते हैं, कुछ तो शर्म करो अनुपम खेर, सारा देश कोरोना से बिलख रहा है, शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए टोकन बट रहे हैं और आप इस समय भी छिछोरी सड़क छाप हरकतें कर रहे हैं। तन्मय नाम के यूजर ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की फोटो को एडिट करते हुए लिखा, इनको बांग्लादेश ले चलो। मिस्टर सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज। सनी मेहता नाम के यूजर लिखते हैं, बेशर्म लाखों लोगों को मरने के लिए छोड़ के मोदी के तलवे चाटने में ही लगे हो। M110 नाम के यूजर ने तो यहाँ तक कह डाला कि कौन से बेशर्म मिट्टी के बने हो, सारा देश करा रहा है ऑक्सीजन के लिए, एक बार हिम्मत है तो मोदी से सवाल करके दिखाओ, लेकिन नहीं कर सकते, तुम मरे इंसान हो, आत्मा मर चुकी है तुम्हारी। आफरी लिखती है कि अफसोस, लोगों के दर्द दुख तकलीफ पर एक ट्वीट नहीं, नफरती जहरीले प्रचार को आगे करने में सबसे आगे रहते हो, शर्म करो अनुपम खेर, घिन आती है आप पर। आपको बता दें कि अनुपम खेर अपने ट्वीट्स को लेकर अक्सर सुर्खी और विवादों में बने रहते हैं, मगर कोरोना काल के इन बुरे हालातों में उनका ये ट्वीट न सिर्फ आपत्तिजनक बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी लगता है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि लोगों की प्रतिक्रिया के बाद क्या फोटो पर खेर की ओर से कोई सफाई आएगी। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें टाइम 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।